मान लो आप ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग किए पढ़ो किए पढ़ो किए पढ़ो, या फिर आप गेमिंग वीडियो अपलोड करो, गेमिंग बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो, 5-6 महीना निकल गया, 7 महीना निकल गया, कोई वीडियो वायरल नहीं जा रहा। तो इतना टाइम नहीं देना है आपको। यूट्यूब आपको 1 साल कहता है, बट 1 साल का आपको अपना दिमाग लगा के यूज करना है। दोस्तों, अगर आप काफी टाइम से यूट्यूब पर काम कर रहे हो और अगर अभी तक आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, ना आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना आपके वॉच टाइम बढ़ते हैं, ना ही आपके चैनल पर व्यूज आते हैं, आप पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो चुके हो, तेरे इस वीडियो को आप देख लो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको YouTube के बारे में सब कुछ आता है, आपको वीडियो अपलोड करने का तरीका भी पता है, आपको YouTube चैनल कैसे बनाते हैं ये भी पता है, आपको YouTube चैनल की सारी सेटिंग्स आपने सब कुछ कर रखा है, जिस तरीके से आपको बड़े क्रिएटर बताएं आपने वो सारे काम कर रखे हैं, बट फिर भी आपके चैनल पर कोई फायदा नहीं हुआ है, आपका चैनल ग्रो ही नहीं हुआ है। यार, जो तरीका आपको बताने वाला हूँ ना, उस चीज़ को समझ कर इंप्लीमेंट करना, जल्दीबाजी में वीडियो स्किप करके देखने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा आपके चैनल पर। जो तरीका आपको बताऊंगा ना दोस्तों, इस तरीके की वजह से काफ़ी लोगों का चैनल ग्रो किया है और इसी तरीके से दोस्तों मेरा भी चैनल ग्रो किया है, ठीक है ना। सब कुछ आपको वीडियो के आगे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो यार 1 लाइक जरूर से कर देना। वीडियो जब बना कर तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप देख रहे हो हमारा चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। सबसे पहले दोस्तों जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना, इस चीज़ को समझो, यूट्यूब आपसे क्या कहता है। YouTube आपसे कहता है कि अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है तो आपको 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, 1 महीने में नहीं, 1 महीने का आपको टाइम नहीं दिया, 1 साल का टाइम दिया है। YouTube को भी पता है कितना आसानी से ये आप कंप्लीट नहीं कर सकते, काफ़ी क्रिएटर इस पर आएंगे, इतना ईजी नहीं है इसको कंप्लीट करना, इसलिए आपको 1 साल मिला है चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। जो लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो आपको 3 महीने का समय मिला है, 3 महीने के अंदर आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए आपके शॉर्ट वीडियो से, पूरा मिलाकर 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए। अगर कर लेते हो और 1000 सब्सक्राइबर कर लेते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, 3 महीने के अंदर 10 मिलियन व्यूज लेके आ जाओ शॉर्ट वीडियो से, या फिर पिछले 1 साल के अंदर आप अपने लॉन्ग वीडियो से 4000 घंटे का वॉच टाइम लेके आ जाओ, समझ रहे हो। YouTube इतना टाइम हमें क्यों देता है, क्यों नहीं YouTube कहता है कि 1 महीने में 4000 घंटा पूरा करो, क्योंकि YouTube को भी पता है कि इतना ईजी नहीं है। फिर आप क्यों हार मान लेते हो यार, आप क्यों कुछ वीडियो अपलोड करते हो व्यूज नहीं आता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। यार 1 साल का समय मिला है, अब देखो इस 1 साल का कैसे यूज करना है, कैसे आप कुछ ही महीने में अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, ये तरीका समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ समझाऊंगा, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आप जो भी चैनल बनाए हो ना, जो भी चैनल, उसकी कैटेगरी जो भी आपने रखा है कि मैं इस नीच पर काम कर रहा हूँ, आपने कोई ना कोई एक नीच तो चुना होगा ना, कोई ना कोई कैटेगरी आपने डिसाइड किया होगा कि मैं गेमिंग वीडियो अपलोड करूंगा, मैं ब्लॉगिंग करूंगा, या फिर मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा, कोई ना कोई आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा। बट मैक्सिमम यूट्यूबर, मैक्सिमम न्यू क्रिएटर क्या गलती करते पता है, एक ही चैनल पे हर कैटेगरी वीडियो अपलोड करते हैं। आज मन किया तो रिएक्शन वाला वीडियो बना के अपलोड कर दिया, कल उस पर ब्लॉगिंग कर दिया, परसों उस पर खाना बनाने वाला पूरा वीडियो अपलोड कर दिया, किचन सेट वीडियो अपलोड कर दिया, हर तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाए। भाई अब वो जमाना खत्म, ठीक है ना, पुराने जमाने खत्म भाई, अब वो वाला ईयर नहीं है कि अभी यूट्यूब नया स्टार्ट हुआ, हर तरह की वीडियो आप यूट्यूब इसको मतलब खुद ही प्रमोट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं करता यूट्यूब प्रमोट, पूरा एल्गोरिथम चेंज है। अगर आप सिर्फ एक ही कैटेगरी पकड़ कर उस पर काम करोगे ना, तो धीमे 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 YouTube को पता चलता है कि हाँ इस कैटेगरी पे ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और फिर उसी कैटेगरी का आपका कोई एक वीडियो वायरल हो जाता है। ऐसे ही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ, ये आज का एल्गोरिथम है, इसी तरह आपको काम करना है। बट बहुत से लोग ऐसा कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ कि आप भी ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है, आप भी हो सकता है 2-3 महीने से आप इस तरह काम कर रहे हो, ठीक। तो दोस्तों अब जो बताने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान समझना, आपको पूरा 1 साल तक ऐसे ही करके बर्बाद मत कर देना, कुछ थोड़ा यहाँ पे आप ट्रिक लगाना है आपको। ट्रिक क्या लगाना है मैं भी बताऊंगा। ऐसा मत करना कि आपको काम करते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 5-6 महीने हो चुके हैं और आप अपने ही कंटेंट अपलोड कर रहे हो, मान लो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग किए पढ़ो किए पढ़ो किए पढ़ो, या फिर आप गेमिंग वीडियो अपलोड कर रहे हो, गेमिंग बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो, 5-6 महीना निकल गया, 7 महीना निकल गया, कोई वीडियो वायरल नहीं जा रहा। तो इतना टाइम नहीं देना है आपको। YouTube आपको 1 साल कहता है, बट 1 साल का आपको अपना दिमाग लगा के यूज करना है। मैं जो बताऊंगा दोस्तों, उस तरीके से आप काम करना, आप अपना कम से कम 3 से 4 महीना मान के चलो, जब आप चैनल बनाना 3 से 4 महीने आप कोई एक कंटेंट डिसाइड करना, उस पर आप काम करना। मान लो आपने 3-4 महीने तक आपने गेमिंग किया, गेमिंग के वीडियो अपलोड करो अपलोड करो, कभी व्यूज आ रहे नहीं आ रहे, 400 व्यूज आए, 500 व्यूज आए, 100 व्यूज आए, 200 व्यूज आए, ऐसे व्यूज आ रहे, ठीक है ना, कोई वीडियो वायरल नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना, 3-4 महीने जब हो जाए तो आप क्या करोगे, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लेना। यहाँ दोस्तों आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लेना, कैटेगरी मतलब समझ रहे हो, अगर आप गेमिंग वीडियोस अपलोड कर रहे थे तो अब आप गेमिंग के अलावा किसी और कैटेगरी वीडियो अपलोड करके देख लेना। ऐसा होता है,
होता है दोस्तों, आप अपनी वीडियो कैटेगरी चेंज कर सकते हो। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना, जैसे मान लो किसी और कैटेगरी वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो उस वीडियो की कैटेगरी चेंज कर देना, गेमिंग हटा के ब्लॉग लगा देना वहाँ पे, अगर आप ब्लॉगिंग अपलोड कर रहे तो, समझ रहे हो, कुछ और कर रहे हो तो उस तरह कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वीडियो अपलोड कर देना। कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो इससे आपको फायदा हो सकता है, और इससे मुझे भी फायदा हुआ है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों सामने दिखाना चाहता हूँ, इस बंदे को दोस्तों आप जानते होंगे, इसका दोस्तों जो चैनल है उस चैनल का नाम है दोस्तों गरीब MS ब्लॉग, ये अभी नाम है इसके चैनल का गरीब MS ब्लॉग, बट पहले ये नाम नहीं था इस चैनल का, पहले क्या नाम था, गरीब MS गेमिंग। ये मुकेश सहनी इस लड़के का नाम है, इसका चैनल था गरीब MS गेमिंग नाम था इस चैनल का, बट अभी उसने नाम चेंज कर दिया, ब्लॉग कर दिया। क्यों? पहले ये अपने चैनल जब स्टार्ट किया था तो हमेशा गेमिंग का वीडियो अपलोड करता था, गेमिंग वीडियो जब बनाता था दोस्तों तो उस गेमिंग वीडियो पे इसको व्यूज अच्छे नहीं मिलते थे, 100 व्यूज 200 व्यूज 500 व्यूज ऐसे ही व्यूज इस पे आते थे, ठीक है ना, कोई वीडियो इसका वायरल नहीं जा रहा था, लगातार ही उसी पे काम किया पड़ा था। ठीक, जब इसका चैनल दोस्तों मोनेटाइज हुआ तो इसको एडसेंस पिन जो मिलता है ना, पिन वेरिफिकेशन, जो आपके एड्रेस से पिन आता है, उससे रिलेटेड दोस्तों इसने एक वीडियो बनाया कि दोस्तों मेरे घर पे, मतलब आप देख सकते हो कि गूगल की तरफ से पिन आ चुका है, मैं इसका पिन का वेरीफाई करने वाला, पूरा इसने एक अलग वीडियो बनाया था गेमिंग से हटकर, वो वीडियो इसके चैनल पर हिट कर गया, अच्छा खासा उसको उस वीडियो से व्यूज मिल गए। ठीक, ये बंदा समझ नहीं पाया, ठीक है, कर चलो अच्छा है व्यूज मिल गया इस वीडियो पे, फिर इसने गेमिंग स्टार्ट कर दिया, फिर गेमिंग पे कोई व्यूज आने लगे, 500 100 200 300 यही व्यूज आने लगे गेमिंग पे। फिर इसका चैनल जब मोनेटाइज हो गया दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पेमेंट आया, फर्स्ट पेमेंट जब इसने वीडियो बनाया, वो वीडियो फिर से वायरल कर गया, फिर हिट कर गया, उस पे मिलियन में व्यूज है अभी भी। ठीक है, तब ये बंदा समझ गया, यार मैं जो गेमिंग कर रहा हूँ ना, गेमिंग कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जब मैं ब्लॉग वाला वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने चैनल का मोनेटाइज करने वाला वीडियो बनाया, पेमेंट लेकर घर पे दिखाया कि देखो मेरा घर पे पेमेंट आ चुका है, वो वीडियो हिट कर गई, मतलब जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वो हिट कर जा रहा है, जो गेमिंग वीडियो बना रहा हूँ वो हिट नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे क्या भाई, बंदा बना ही था ये ब्लॉग के लिए और ये कर रहा था गेमिंग में ट्राई, समझ रहे हो। फिर दोस्तों ये बंदा अपना चैनल का नाम चेंज किया, गरीब MS गेमिंग से हटा के गरीब MS ब्लॉग कर लिया, और आज ये अपने चैनल में सिर्फ ब्लॉग अपलोड करता है। यहाँ से आपने क्या सीखा, जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हो आप उसी कैटेगरी के लिए बने हो, एक बार कैटेगरी चेंज करके देखो, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए, जैसे इस बंदे की लाइफ चेंज हो गई। अगर दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल दिखा दूं, तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाना चाहता हूं जो स्टार्टिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए थे, शायद आप जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, आपको दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूँ, ये मेरे ओल्डेस्ट वीडियो है, आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कोई टेक्स रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता था, यूट्यूब टिप्स रिलेटेड मैं कोई वीडियो स्टार्टिंग में नहीं बनाता था। आप लोग तो यार हमारे कैटेगरी जो बंदे हैं वो यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो स्टार्टिंग में ही व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, यार तुम्हारे खुद के व्यूज़ कम है, तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तुम दूसरों को बताते हो सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, फिर बोलते हो कि हमारे वीडियो व्यूज़ नहीं आते, कैसे आएंगे यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। स्टार्टिंग में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था यार, हमारे पास आज एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको कुछ तरीके बताते हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, व्यूज़ कैसे बढ़ते हैं, या फिर जो भी चैनल की सेटिंग्स होती है आज हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमने, हमारे पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, और आप नया चैनल बना के आप ये काम कर रहे हो, खुद भी तो सोचो यार। देखो स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, हम देखो यहाँ पर ब्लॉग बनाया करते थे, देख सकते हो यहाँ पे चोर बाजार का ब्लॉग है, दिल्ली हुक्का मार्केट ब्लॉग है, ये सब पूरा ब्लॉग वाली वीडियो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और व्यूज़ कितने कम आते थे, 1700 व्यूज 500 व्यूज 1500 व्यूज 3200 व्यूज, ये सब मेरे वीडियो हैं आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादातर इसमें वीडियो प्राइवेट हमने कर रखे हैं, बाकी कुछ पब्लिक भी है। ये पुराने वीडियो से व्यूज़ नहीं आते थे, व्यूज़ आना कभी स्टार्ट हुआ दोस्तों, जब हम टेक्निकल वाले वीडियो बनाना स्टार्ट किया दोस्तों, जैसे मान लो कि हमने फोन पे से रिलेटेड वीडियो बनाया था हमने यहाँ पे, फिर यहाँ पर हमने यूट्यूब से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए, वो सारे वीडियो हिट कर गए। मेरा जो पहला फेस कैम वीडियो था टेक से रिलेटेड दोस्तों, आज उस वीडियो पे 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सबसे पुराना वीडियो है मेरा जो पहला फेस कैम वीडियो है। तब मुझे लगा कि यार मुझे यूट्यूब टिप्स रिलेटेड ही वीडियो बनाना चाहिए, और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे, तो मैं इस कैटेगरी में आ गया। तो इस तरीके दोस्तों, अगर आप जिस कैटेगरी पर काम कर रहे हो आप आराम से 3-4 महीने तक दोस्तों उस पर काम करो, बट आपको जब लगे यार मतलब हमने 3-4 महीना काम कर लिया है बट कोई इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब दोस्तों आप अपनी कैटेगरी एक बार चेंज करके देख लो, चेंज करके देख लो, हो सकता है कि आप बने किसी और चीज़ के लिए हो और आप कर कुछ और रहे हो सकता है ना। कभी कभी आदमी यार समझ नहीं पाता यार कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, जो आदमी कर रहा है वो तो कर रहा है, बट उसके अलावा कभी चेंज करके देखो, हो सकता है कि आप इससे अच्छा जो कर रहे हो उससे अच्छा आप ये करो, हो सकता है ना। जैसे आप सौरभ जोशी ब्लॉग्स को भी आप समझ सकते हो, पहले सौरभ जोशी क्या करता था, आर्ट बनाते थे, आर्ट, ठीक है ना, सिर्फ आर्ट का उसका एक चैनल है, अभी भी चैनल है, सिर्फ आर्ट करते थे, ठीक है ना, डेली ड्राइंग बनाते थे वहाँ पर। लेकिन जब उन्होंने ब्लॉग बनाया भाई, ड्राइंग वाले से ज़्यादा व्यूज उसके ब्लॉग पे आने लगे, बस ड्राइंग वाला चैनल बंद हो गया और वहाँ से वो ब्लॉग में निकल गया। तो कभी कुछ हट के ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि आपकी किस्मत वहाँ से पलट जाए, बदल जाए, बट उसे ऐसा नहीं करना कि आज इस कैटेगरी वीडियो बना दिए, कल दूसरे टॉपिक पे, कल तीसरे फिर कैटेगरी का, फिर अलग नीच का, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको एक ही कैटेगरी डिसाइड करना है और उस पर कम से कम 3-4 महीना काम करना है, ये तो मान के चलो कम से कम इतना काम करना है, इतने पे आपका चैनल ग्रो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं ग्रो हो रहा है तो दोस्तों तो कभी कभी बीच में आप कैटेगरी चेंज करके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। बट हाँ दोस्तों, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब पर हमेशा आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल दोस्तों
आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, आपका चैनल 100% ग्रो कर सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक करके जाना यार, कुछ अच्छा चीज सीख कर गए हो तो यार एक लाइक कर देना। और अगर अभी तक दोस्तों आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, अभी क्लिक करो और जाके इस वीडियो को देखो। जो कैटेगरी बताया दोस्तों इस कैटेगरी में वीडियो बनाओ, 100% दोस्तों आपको काफी ज्यादा व्यूज मिलने वाला है, काफी कम कंपटीशन अभी इस कैटेगरी में, ठीक है। तो यार अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।